दिवाली बीतने के बाद भी खाद्य तेलों में तेजी बरकरार है, जबकि आमतौर पर त्योहारी मांग खत्म होने के बाद खाद्य तेलों के दाम घटते हैं और इस बार भी यही उम्मीद थी। खाद्य तेलों में तेजी की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में इजाफा होना है और इसकी वजह रूस यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ना भी है। कारोबारियों के मुताबिक आगे भी खाद्य तेलों के दाम वैश्विक हालात पर निर्भर करेंगे। बीते एक महीने के दौरान देश में खाद्य तेलों के दाम 15 से 30 रुपए किलो बढ़ चुके हैं। महीने भर में रिफाइंड सोयाबीन तेल के थोक भाव 120 से 125 रुपए से बढ़कर 140 से 145 रुपए तक पहुंच गए हैं, जबकि सरसों तेल का भाव 130 से 135 रुपए से बढ़कर 145 से 150 रुपए तक आ गया है। वहीं सूरजमुखी तेल के भाव में भी उछाल देखने को मिला है। 130 से 135 रुपए बिकने वाला सूरजमुखी तेल बढ़कर 160 से 165 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। दरअसल इस दौरान आयातित पामोलिन तेल के भाव भी बढ़े हैं और वो बढ़कर 90 से 95 रुपए से बढ़कर 105 से 110 रुपए किलो पहुँच गए हैं। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड के चेयरमैन का कहना है कि रूस यूक्रेन के बीच तनाव से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में तेजी आई है। भारत में खाद्य तेलों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर काफी निर्भर करते हैं, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय तेजी के कारण देश में भी खाद्य तेलों के दाम बढ़े हैं। खाद्य तेल में महीने भर में 15 से 30 रुपए प्रति लीटर की तेजी आ चुकी है। उधर अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ का कहना है कि त्योहारी मांग कमजोर पड़ने से दिवाली के बाद खाद्य तेल सस्ते होने की उम्मीद थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने से घरेलू बाजार में भी खाद्य तेल महंगे हो गए हैं। सबसे ज्यादा तेजी सूरजमुखी तेल में 25% की आई है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। यूक्रेन से भारत में बड़े पैमाने पर सूरजमुखी तेल आयात किया जाता है। कारोबारियों के मुताबिक खाद्य तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर काफी हद तक निर्भर करेंगे। अगर रूस यूक्रेन और अन्य देशों के बीच तनाव की स्थिति बढ़ती है तो खाद्य तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। हालांकि बीते कुछ दिनों से हालात थोड़े शांत हुए हैं, अगर यही स्थिति आगे जारी रही तो तेजी थम भी सकती है और गिरावट भी संभव है। तनाव बढ़ने पर दाम बढ़ने की संभावना है और अगर तनाव नहीं बढ़ता तो दामों में गिरावट आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।